स्टूडेंट्स के अंदर हमेशा बोर्ड एग्जाम को लेकर के टेंशन बनी रहती है, लेकिन बोर्ड का एग्जाम कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप अच्छा ना कर सकते हो। थोड़ी सी प्लानिंग और अच्छे टिप्स को अपनाकर आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो या फिर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने या टॉप करने के तरीके के बारे में जानेंगे। तो स्वागत है मित्रों आपका अपने YouTube चैनल शुद्ध नॉलेज में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। पहली टिप से प्लान के साथ सभी सब्जेक्ट की प्रायोरिटी सेट करें। प्लान बनाकर पढ़ना अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप अपने टीचर से हेल्प लो या आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखो। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दूसरा टिप से फोकस ऑन प्रिपरेशन। अच्छी तरह से सभी पेपर्स की तैयारी करना एग्जाम स्ट्रेस को कम करता है, इसलिए अगर आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही हो तो आप फिर से रूटीन बनाओ ताकि सभी सब्जेक्ट को ठीक से कवर किया जा सके। यदि 10 दिन का समय है और 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हर दिन 2 टॉपिक कवर किया जा सकता है। ध्यान रखिए कि दिन भर के 24 घंटे में से 12-15 घंटे की टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हर दिन 6 घंटे पढ़ने की कोशिश करो, आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छी हो जाएगी। बट आपको 6 घंटे रोज पढ़ने हैं, कंटिन्यू पढ़ने हैं। ये नहीं कि आपने एक दिन 6 घंटे पढ़ाई कर ली और एक दिन कुछ भी नहीं पढ़ाई की। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर दिन 6 घंटे की पढ़ाई करनी है। अगली टिप से पॉजिटिव सोच रखें। किसी भी डर को पॉजिटिव माइंडसेट से दूर किया जा सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग आपको रिलैक्स रखता है और आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाते हो, इसलिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स जितना टेंशन लेते हैं अगर उसका 50% भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। और पॉजिटिव सोच का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको अपने अंदर बहुत सारी खूबियाँ दिखने लग जाती है जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव सोच रखना। फोर्थ टिप्स है कि सैंपल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करें विथ टाइम लिमिट। देखिए आपको क्या करना है कि आपको सैंपल पेपर उठाना है, जो भी सैंपल पेपर आपके पास हो उसमें से आपको क्वेश्चन करने हैं लगभग 40 हर एक सब्जेक्ट के, एक बार में एक ही सब्जेक्ट के करने हैं। और आपको टाइम लिमिट सेट कर लेना है। टाइम लिमिट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। मैं तो बोलूँगा कि आप 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा की टाइम लिमिट मत सेट करना, और ये देखना कि आप उस टाइम गिवन टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो या नहीं सॉल्व कर पाते हो। और ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का बेस्ट तरीका है, और इससे आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया हो जाएगा कि एक क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है और कितना नहीं देना है। और आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा ये करने से, अगर आप अभी से टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो। 5वां टिप से सब्जेक्ट को समझे ना कि रट्टा मारे। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि सिर्फ बुक को रटने से पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे बदल कर आ जाते हैं कि जिनके बारे में स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया यार, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो कहीं बुक में ही नहीं देखा मैंने, जिसमें स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चन को देखकर घबराहट होने लग जाती है। तो इसलिए ऐसे में जरूरी है कि आप सब्जेक्ट को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। तो ये दोस्तों कुछ टिप्स थी कि कैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, कैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।